हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास टेंथ का यानी कि अम्लछाल लवण यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे आज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं, कैसे बनता है, इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कि इसको किस प्रकार से क्या होता है, बनाया जाने जाता है, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधियां, ठीक है, बनाने की विधियां, ठीक है, बनाने की विधियां की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसको लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बुझी हुई चूने की बात कर रहे हैं। जैसे बुझी हुई चूने में हम लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, बुझी हुई चूने में जैसे क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें CaOCl2+ जल मिल जाता है। अब देखो बनाया कैसे, देखो जैसे इसमें क्लोरीन गैस डाला तो उस कंडीशन में यहां से एक ऑक्सीजन बचा रहता है, और देखो दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है यहां पे, देखो यहां पे दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, तो यहां से दो हाइड्रोजन इस एक ऑक्सीजन के साथ में तो निकल गया जल, एक ऑक्सीजन बची है और दोनों क्लोरीन आपस में जुड़ के बना लेता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन गैस, ठीक है, टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर मॉलिक्यूल। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्लोरीन बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ये इसकी क्या थी, हमारे बनाने की विधिया थी। अब हम बात करते हैं इसकी बनाने की विधिया की जगह हम लोग बात करेंगे भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी बात करें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फिजिकल अगर हम लोग इसके भौतिक गुण की बात करते हैं, किसकी भौतिक गुण की अगर बात करते हैं, तो पहला भौतिक गुण की अगर बात करें क्या होता है, सफेद कलर का क्रिस्टल होता है, छोटे छोटे, या फिर सफेद कलर का क्रिस्टल पाउडर भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, सफेद कलर का व्हाइट क्रिस्टल पाउडर भी इसी को क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो। तो व्हाइट क्रिस्टल पाउडर क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टल पाउडर होता है तुम्हारा, ठीक। दूसरी बात करते हैं इसकी, अगर हम लोग वाटर में बात करते हैं सॉलिबिलिटी, इसमें वाटर में क्या होता है, सॉलिबल होता है, तो सॉलिबल इन वाटर, सॉलिबल इन वाटर यानी कि पानी में घुलनशील होता है, ये क्या होता है, पानी में आसानी से, पानी में जैसे डालते हैं तो घुल जाता है, तो क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है। इसके क्या हो जाएंगे, हमारे दो भौतिक गुण हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, ये पंजेंट स्मेल होता है, मतलब क्या करते हैं, स्मेल निकालता है इसमें से, क्लोरीन गैस क्या होती है, स्मेल निकलती है, तो ये पंजेंट स्मेल लाइक भी होता है, तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें दो जरूर याद रखने हैं, व्हाइट कलर का क्रिस्टल पाउडर होता है, दूसरी बात है पानी में डिजॉल्वर हो जाता है। तो ये इसकी क्या थी, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करेंगे इसकी रासायनिक प्रॉपर्टी की बात, यानी कि रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो हमें एक केमिकल प्रॉपर्टी, देखो एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, मैं वही आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं, एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में अगर हम लोग वॉटर यानी कि जल मिलाएं तो ये क्या कर लेता है, जल के साथ पानी यानी कि पानी के साथ ब्लीचिंग पाउडर मिलके
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, साथ में क्लोरीन गैस जो डाली थी वो क्लोरीन गैस क्या हुए हमारी निकल जाती है। तो क्या लिखेंगे? अगर लिखना है क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाए, हाउ टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो बस क्या करना, क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन पानी के साथ करा देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और उल्टा भी पूछ लेता है क्योंकि ये उत्क्रमणीय है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, आगे से पीछे, पीछे से आगे भी क्या हो जाती है, प्रोसेस चलती है। तो उस कंडीशन में अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से करा देते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं इसके यूज की, इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल याद रखनी है एक बात, तो जो मैंने बताई है कि कोई भी केमिकल का पूरी केमिस्ट्री में आपसे उपयोग पूछे, यूज पूछे, पहला आंसर इन अ लैबोरेटरी, इन अ लैब यानी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में ये होता ही होता है। तो पहला तो हो जाएगा ना लैब, तो इन अ लैब पहला। दूसरी की बात करते हैं तो दूसरे सुन लो, इसको सबसे, इसका जो सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होता है, इसको पानी का ट्रीटमेंट यानी पानी की साफ सफाई करने के लिए, इसका जर्म्स फ्री करने के लिए क्या होता है, बैक्टीरिया फ्री करने के लिए क्या होता है, इसका यूज करते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट यानी कि वाटर जर्म्स फ्री बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट और बता देता हूं मैं आपको, एक और सुन लो, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लोथ वॉश वगैरह में यानी जो लॉन्ड्री में यूज करते हैं, इसका लॉन्ड्री में क्या होता है, यूज किया जाता है। पेपर फैक्ट्री में, कहां पर, पेपर फैक्ट्री मतलब कागज वाली जो फैक्ट्री होती है वहां पर भी क्या करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं। क्लॉथ फैक्ट्री, क्लॉथ फैक्ट्री यानी कपड़े वाली फैक्ट्रियों में भी क्या करता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इतनी चीजें क्या है हमारी ब्लीचिंग पाउडर में आप लोग को क्या करना है, याद रखना है बिल्कुल आप लोग को। ठीक है, अगर कोई भी ब्लीचिंग पाउडर में अगर आपको डाउट आया है तो आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको बेटर वे में समझा दूंगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है, बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तब तक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो घर में मम्मी से जाके पूछो, कहना खाने वाला सोडा कहाँ है। ठीक है, उसी को बेकिंग सोडा हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं। जो खाने वाला सोडा होता है, जो घर में दाल पकाने के लिए या मटर पकाने के लिए डाला जाता है, या फिर समझ लो किसके लिए डालते हैं, अरे फूड करेंसी बनाने के लिए वगैरह डालते, केक में डाला जाता है, हर चीज मोस्टली चीजें क्या होता है, इसका यूज किया जाता है। डोसा वोसा बनाने में मतलब इसका बहुत हर जगह ज्यादातर इसका क्या कहते हैं, यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो घर में खाना बनाने के लिए जो सोडा होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा, यानी कि इसका सिंपल नाम या हिंदी में नाम होता है खाने वाला सोडा, इसी का नाम क्या है, खाने वाला सोडा। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, खाने वाला सोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके खाने वाली सोडा की, तो इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो बनाने की विधियां, बनाने की विधि, तो बनाने की विधि की अगर हम लोग बात करते हैं, उस कंडीशन में हमें इसमें सोडियम क्लोराइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो पहली प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल प्लस अमोनिया, प्लस क्या होता है तुम्हारे इसमें, अमोनिया, जैसे सबको मिलाते हैं अगर आपस में, उस कंडीशन में जो NaCl होता है CO2 को अपने साथ मिलाता है, H2O को अपने साथ मिलाता है, लेकिन यहां से Cl को सीधा अमोनिया के पास भेज देता है। और एक्चुअली यहां पे क्या करता है, देखो ये चीज आपको मैंने बताई हुई, जहां CO2 प्लस वाटर होगा वहां पर कार्बोनेट बनेगा, जहां कार्बोनेट है अगर वो टूटेगा तो CO2 और वाटर बनेगा। तो ये वाटर CO2 सोडियम है, तो यहां पे क्या बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका बनाएगा यहां पर फॉर्मेशन, सोडियम
NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। साथ में अगर हम बात करते हैं इसमें ये NH3, देखो यहाँ पे एक मिनट एक H यूज करा, दो H से एक H यहाँ और चला गया और Cl भी आ गया, तो साथ में यहाँ पे बन जाता है NH4Cl। तो यानी कि हम लोग कहेंगे जल अमोनियम अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड तथा सोडियम क्लोराइड, तो इसमें लिखते हैं सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर मॉलिक्यूल एंड अमोनिया गैस टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इज नोन एज बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का सिंपल नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम होता है। दोबारा समझो हिंदी में, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल तथा अमोनिया गैस के साथ कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरी बात देखो ये इसकी बनाने की विधि, इसके भौतिक गुण की बात करते हैं। अगर जिसने नहीं देखा है वो घर पे मम्मी से जाके पूछ ले, मम्मी बता देंगी कि खाने वाले सोडा नहीं होगा तो किचन में रखा होगा, मम्मी से पूछ के देख लेना आप लोग। ठीक है, देखना उसमें क्या चीज होगा, हम लोग इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। चलो, इसमें क्या होगा, सफेद कलर का एबी क्रिस्टल होता है। कैसा होता है तुम्हारा, व्हाइट क्रिस्टल। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करेंगे, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ना कि फिजिकल क्रिस्टल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने पहली बात क्या बोली, इसमें ये तुम्हारा व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट क्रिस्टल। क्या होता है तुम्हारा, व्हाइट क्रिस्टल। दूसरी बात की अगर बात करते हैं तो ये दूसरी बात में हमेशा याद रखना, ये तुम्हारा वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल भी होता है। ठीक है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो क्या होता है तुम्हारा, वाटर सॉल्युबल एंड व्हाइट क्रिस्टल के कलर का ये पाया जाता है। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी इसकी कहती है कि अगर हम लोग इसको डिकम्पोज करें, किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करें, सोडियम बाइकार्बोनेट को जैसे इसको हम लोग गर्म करते हैं तो इसके टू मॉलिक्यूल्स ले लें, कितने मॉलिक्यूल्स ले लें, इसके टू मॉलिक्यूल्स ले लें, अगर इसके सोडियम बाइकार्बोनेट के टू मॉलिक्यूल्स, और जैसे इसको गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, ये बना लेता है सोडियम कार्बोनेट। ये क्या बना लेता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। अब देखो यहाँ पर दो सोडियम बैलेंस, दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या होता है, दो हाइड्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेता है। यहाँ पे देखो दो कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, तो एक कार्बन और छह ऑक्सीजन थे यहाँ पे, यहाँ पे तीन एक चार, दो ऑक्सीजन अभी बचे हुए हैं, तो क्या होता है CO2 गैस क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। मतलब अगर हम कभी भी बात करें इसका डिकम्पोज, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर गर्म करते हैं तो उस कंडीशन में सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड क्या होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है यहाँ पर हमारी। ठीक है, इसकी बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी यूजेस की बात करते हैं कुछ, और इसके यूज की अगर बात करें तो ये तो बिल्कुल फिक्स रखना है कि किसी का भी एक यूज पूछे तो मैं पूरी केमिस्ट्री में कहीं किसी भी क्लास में एक आंसर, तो फिर पहला है इन आर लेबोरेटरी, मतलब प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये तो फिक्स है बिल्कुल। ठीक है, इन आर लैब, तो लैब में इसका यूज करते ही करते हैं। दूसरी अगर बात करते हैं, इसके काफी सारे उपयोग होते हैं। दूसरी बात क्या, हमारा अभी तो आप लोग को बताया था कि खाना बनाने के लिए इसके क्या होता है, जो घर में रखा है तो खाना बनाने के लिए होगा, तो फूड मेकिंग द फूड। इसको खाना बनाने के लिए क्या करता है, इसका उपयोग करते हैं जो भी बेकिंग सोडा होता है। अब खाना बनाने में जल्दी बनाने के लिए काम करते हैं, और इसको क्रंची क्रिस्पी भी बना टेस्टी बनाने के लिए भी क्या करता है, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे देखो दाल वगैरह जो नहीं पकती तो उसमें डाल देते हो, दाल वगैरह क्या हो जाती है, जल्दी पक जाती है। वहीं अगर बात करें आप लोग, जैसे ढोकला होता है शायद कुछ, ठीक है, उसमें इसको डालते हैं
या फिर रसगुल्ले की बात करें तो रसगुल्ले में इसको डालते हैं, उसमें क्या होता है रसगुल्ले फूल जाते हैं आसानी से, ठीक है। तो मतलब खाना को टेस्टी बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। केक की बात करते हैं, केक में जो ब्रेड होती है, ब्रेड में क्या होता है बेकिंग सोडा ही मिलाया जाता है, जिसकी वजह से जो केक हो जाती है वो क्या हो जाती है हमारी बल्कि यानी कि स्पंजी टाइप की फूल जाती है, ये इसी का क्या करते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये दो इसके यूजेस तो आपके हो गए फॉर मेकिंग द फूड। साथ में अगर बात करते हैं हम लोग इसकी जगह जो अगर आप लोगों ने कभी कोल्ड ड्रिंक पी हुई हो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि एक वो कोल्ड ड्रिंक आती है 3 रुपए की आती है, 5 रुपए की आती है, सोडा बोटल्स जैसे कहते हैं, कंचा वाली कहते हैं जैसे कंचा वाली, उसमें क्या करते हैं इसका यूज करते हैं, उसके अंदर CO2 गैस बनाने के लिए क्या करता है इसका यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो जो आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, जो आप लोगों ने सिलेंडर देखे होंगे रेड कलर के जो सिलेंडर होते हैं जिसे फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है बेकिंग यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा ही उसके अंदर क्या होता है भरा जाता है। तो जो अग्निशमक यंत्र जिसे बोलते हैं, अग्निशमक यंत्र भी बोलते हैं उसी को, तो जो भी अग्निशमक यंत्र होता है उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट ही उसके अंदर भरा हुआ होता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा के बारे में हमें इतनी चीज़ें ही पढ़नी थी। यूज दो तो बिल्कुल याद रखो, साथ में फायर एक्सटिंग्विशर मतलब पानी जो अग्निशमन यंत्र होते हैं उसमें, पानी वाली की बात नहीं कर रहे जिसमें पानी निकालते हो उसमें नहीं होता है, जो सिलेंडर होते हैं जो सिलेंडर वाले की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सिलेंडर वाले में क्या होता है इसका यूज सोडियम बाइकार्बोनेट ही उसमें, अगर आप लोगों ने देखा हो कहीं पर निकलते हुए खोलते हुए देखा हो तो सफ़ेद कलर का निकलता है, और सफ़ेद कलर का क्या होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है जैसे उससे निकलता है तो डिकम्पोज होता है, CO2 गैस रिलीज करता है, और CO2 गैस बहुत मात्रा में रिलीज करता है। तो जब CO2 गैस हम लोग क्या होता है आग बुझाने के लिए CO2 गैस का ही तो यूज करते हैं, तो CO2 गैस के द्वारा क्या होता है वो आसानी से हमारी आग बुझ जाती है, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो क्लियर समझ में आएगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तब तक के लिए अब चलते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।